गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शीतल बाखरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए बात करते हैं, आज नवरात्रि का 7th डे है और आप सबको नवरात्रि के 7 डेज की बहुत सारी बधाइयां। इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है इन नवरात्रि। आपको कोई भी अच्छा काम शुरू करना है तो नवरात्रि में आप बिना कोई मुहूर्त देखे कर सकते हो। उसमें आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन और अच्छा मुहूर्त होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का डे होता है और लक्ष्मी के दिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, टिपिकल किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो चलिए बात करते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट, फंडामेंटली क्या क्या चेंजेस हुए, क्यों मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों मार्केट प्लस में खुलता है फिर नीचे की तरफ झुकाव ज़्यादा हो चुका है, क्या हलचल हो रही है मार्केट में, फिर वो FIs का मार्केट होने दीजिए या फिर अपना मार्केट होने दीजिए, क्या कर रही है किस कंट्रीज की गवर्नमेंट, तो उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ की, जब वो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो अपने कंट्रीज़ के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती है और बस उसका इफेक्ट कहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियली काफ़ी सारे डिफरेंसेस वहाँ पे मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड FIIs, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स की, जो आप हमेशा देखते हो कि FIIs की बाइंग इतनी हुई, FIIs की सेलिंग इतनी हुई, तो वो बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो। तो कल की अगर बात करूँ तो USA में जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि जो आउटसाइडर लोग जो काम करने के लिए वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए B1 इनिलियो ऑफ H पॉलिसी, इस दरमियान जिन लोगों को HIV का जो स्पेशली जॉब करने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए टेम्प्रेरी वीज़ा बंद करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली उनकी कंपनीज के लिए अच्छा है, वहाँ पे जॉब्स, वहाँ पे उन लोगों के रिलेटेड, मतलब उन लोगों को जॉब ज़्यादा मिलने वाले हैं कंट्रीज़ के हिसाब से, इट इज़ गुड, बट बाकी कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर अगर आपने देखा होगा USA के इलेक्शंस पास में आ रहे हैं और उस वजह से राहत पैकेज में कहीं ना कहीं टालाटाल हो रही है, राहत पैकेज जो देना चाहिए वो अभी तक एग्रेसिवली उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। जब डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो फिर फेड ने बोल दिया कि अगर आपको इकोनॉमी में, मतलब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, कंट्री वाइज अगर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको जल्दी हो सके, राहत पैकेज अगर नहीं मिला तो इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ये USA के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे फेड का कहना आया। जब फेड का ऐसे कहना आया तो अभी भी उसे टाइम लगेगा, ये सारा अगर कैलकुलेशंस देखोगे तो इलेक्शंस तक पैकेज में कहीं ना कहीं देर लग सकती है, ऐसे यहाँ पर डिक्लेयर हम लोग सोच सकते हैं, मतलब एक अंदाज अगर लगाना है तो डेफिनेटली इलेक्शंस तक पैकेज मिलने के कोई चांसेस यहाँ पे दिख नहीं रहे। फिर आपने देखा होगा कल टायर कंपनीज काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ऑटो सेक्टर्स में भी आपने देखा होगा बहुत अच्छी ग्रोथ होते हुए आपने देखी है। अब ऑटो सेक्टर्स जब बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके पीछे भी काफी सारे राहत है। सडनली आपने देखा होगा आफ्टर लॉकडाउन काफी सारी डिमांड बढ़ी है ऑटो सेक्टर्स की, क्योंकि सारे, आपने एक सिंपल रीजन लॉजिक अगर आप लगाओगे तो सारे इनकमिंग आउटगोइंग जो इंटरनल जो ट्रैवल्स थी वो बंद हो गई है, तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है खुद के ओन व्हीकल्स की, तो उस ओन व्हीकल्स को लेने के लिए डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपने देखा ऑटो सेक्टर्स को होते हुए। फिर आपने देखा कि जो चीन से, मतलब अगर आप बोलोगे टायर कंपनी पर्टिकुलर क्यों चल रही है, टायर कंपनी चलने के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो वहाँ से जो चीन से जो था, जो गुड क्वालिटी चीन से इम्पोर्ट होने वाला सिंथेटिक रबर था, देखिए अभी कितना डीप जाके आपको फंडामेंटल स्टडी करना पड़ता है, सिंथेटिक रबर जो आता था उसके ऊपर अपने गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा ली है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा ली है तो अपने यहाँ पे इसका फ़ायदा अपने टायर्स कंपनीज को होगा, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ तक लेके आना मेरा काम था, आगे बढ़ना आपका काम रहेगा। इनलैंड वेजल पॉलिसी भी मंजूर कर दी है गवर्नमेंट ने, गुड। बजाज ऑटो का रिजल्ट आपने देखा होगा वो भी बढ़िया आया है। फिर अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने वापस गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी सोचा है, देखिए
राहत पैकेज के साथ आप देख रहे हो कि काफी सारे चेंजेस भी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, उस वजह से मार्केट में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते हुए आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो इंसेंटिव जो पैकेज है, इंसेंटिव योजना, जो टैक्स बेनिफिट गारमेंट कंपनीज को मिलेगा, डेफिनेटली गारमेंट कंपनीज के लिए लॉकडाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, होटल इंडस्ट्रीज के लिए लॉकडाउन थोड़ा डिफिकल्ट था, ट्रैवल एंड ट्रैवल कंपनीज के लिए, वैकेशन कंपनीज के लिए डेफिनेटली लॉकडाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उनको राहत पैकेज देने की डेफिनेटली गवर्नमेंट कोशिश करते जा रही है। ये सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ बहुत सारी कोशिश कर रही है कि पैकेज दिए जाएंगे। इस बात करते हैं आज का ओवरऑल मार्केट कैसे था, प्रॉफिट कैसे हो सकता था और आपने उसका प्रॉफिट कैसे लेना चाहिए था, इसका लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी सिर्फ 25 का लॉट है, आपने देखा है सिर्फ 25 का लॉट है, 24,768 पे मैंने सुबह बेच दिया है और 24,600 पे मैंने इसे खरीद भी लिया है, ट्रेड खत्म है और ये ट्रेड खत्म होने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लगा है, 9:26 को ये ट्रेड लिया गया है और 9:34 को मैंने इसे स्क्वायर अप कर दिया है। अब आप बोलोगे कि शीतल इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ है, तो यस गाइज इसका प्रॉफिट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ट्रेड खत्म है, आप देख सकते हो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, 24,768 पे बेचा है, 24,600 पे खरीद लिया गया है, 4,000 आज हम लोग घर पे लेके जाएंगे, दैट्स ऑल। सातवें दिन मतलब माता के सातवें दिन हमारे घर में 4,000 रुपये आएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ राहत पैकेज, आप इसे बोल सकते हो कि आज के दिन में मोटा मोटी गेरे घर में 4,000 रुपये क्रेडिट होंगे। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ट्रेड किस चीज़ में करना चाहते हो, कैसे ट्रेड करना चाहते हो, किस तरीके से आप फंडामेंटली न्यूज़ फाइंड आउट करते हो। फंडामेंटली न्यूज़ अगर आपको तो पता है, मेरे पास लॉट्स ऑफ स्टडी जब मैं आप लोगों के साथ करती हूँ तभी जाके सारे कैलकुलेशंस करके ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यस, यही कैलकुलेशंस आपको मैं क्लासेस में सिखाती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन स्पेशल बैच, संडे स्पेशल फ्यूचर्स ऑप्शंस बैच, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बैचेस, टेक्निकल क्लासेस इंक्लूडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, काफ़ी सारे सोर्सेस हैं हमारे पास, बाय हुक और क्रुक हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है, तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप डेफिनेटली ले सकते हो। टिल देन गाइस ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड। वीकेंड में आपको पता है मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको होमवर्क करके रखना है मंडे के लिए, अगर आपके पास होमवर्क होगा तो मंडे आपके फेवर में होगा, मंडे आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा दशहरी की, आप सबको